Hello 11th class student, this is Mike Khurana with a new video on kinematics. In the last video, we have discussed some numericals on speed and velocity. In this video, we will do another type of numericals on speed and velocity, and this type of numericals is little bit up level from that type of numericals. And before starting the video, मैं एक बात आपसे share करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है तो उसको subscribe करें, और if you are understanding the concept through the videos then please like it. And अगर आपको कोई भी problem नजर आती है कि अगर आपको कोई understanding problem या कुछ भी दिक्कत आती है या आप coming videos के बारे में जानना चाहते हैं तो you can comment me in the comment box. So we will start today's lecture from the question number one, that is John drove for 3 hours at a rate of 50 miles per hour. 3 घंटे के लिए चलता है इस रेट से. रेट क्या दे रखी है आपको? 50 miles per hour. ये 50 miles per hour रेट का मतलब यह है कि स्पीड है, कि जॉन की स्पीड उसने दे रखी है 50 miles per hour. कितने घंटे के लिए वो इतनी स्पीड से चलता है? 3 घंटे के लिए. ठीक है, अच्छा. उसके बाद एंड फॉर 2 hours एट 60 miles per hour. 2 घंटे के लिए 60 miles per hour पे ट्रेवल करता है. व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? कंप्लीट जर्नी की, उसकी कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? देखें, अब आपको बता रखा है कि पहले 3 घंटे में तो वो 50 माइल्स पर आवर ट्रेवल करता है और दूसरे 2 घंटे के लिए वो 60 माइल्स पर आवर ट्रेवल करता है. व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगी? ठीक है, एवरेज स्पीड का आपको जनरल फॉर्मूला एक बात पता है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाली. टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए देखो, हमारे को पहले 3 घंटे के लिए जो रेट दे रखी है, रेट का मतलब स्पीड, वो 50 माइल्स पर आवर दे रखी है. दूसरे 2 घंटे के लिए कितना दे रखी है? 60 माइल्स पर आवर. तो देखिए, इन्हीं स्पीड की हेल्प से हमने डिस्टेंस निकाल ली. टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेट इंटू टाइम. रेट का मतलब स्पीड, स्पीड इंटू टाइम. और टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो पहली स्पीड क्या है? 50 माइल्स पर आवर इंटू में टाइम, बस दूसरी स्पीड इनटू में टाइम. तो हमने टोटल डिस्टेंस निकाल ली. पहली स्पीड 50 माइल्स पर आ रहा है इनटू में, वो 3 घंटे के लिए थी तो पहली डिस्टेंस आ गई. पहली डिस्टेंस, फिर दूसरी डिस्टेंस 60 माइल्स पर आर से है और कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई करा दिया. तो टोटल डिस्टेंस निकाल ली 50 इनटू में 3 150 बस 60 इनटू 2 120, तो दोनों को सम किया 270 आ गया. दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जॉन. ठीक है, अच्छा. इसके बाद आ गया नीचे टोटल टाइम कितना है. टोटल टाइम कितना है? 3 + 2. 3 + 2 कैसे? जाते वक्त देखिए, मैंने पहले 50 माइल्स पर आवर 3 आवर्स में किया है, फिर 60 माइल्स पर आवर 2 आवर्स में किया है, तो टोटल टाइम क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया 3 आवर्स + 2 आवर 5 आवर्स. तो टोटल टाइम 5 आवर्स आ गया. यूजिंग द फार्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला हमने लगाया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आई हुई है 270, टोटल टाइम आया हुआ है 5 आवर्स. तो हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आ गया, आपका आंसर आ गया 54 माइल्स पर आवर. दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन. तो मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले हमने टोटल डिस्टेंस निकाली है. टोटल डिस्टेंस कैसे निकाली है? क्योंकि उसने बोला 3 घंटे के लिए तो 50 से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितनी है बेटा? 50 है, इंटू टाइम कितना? 3 आवर्स. ठीक है, प्लस फिर 60 की स्पीड से 2 आवर्स के लिए. ठीक है, दोनों को हमने सम कर दिया तो आपका 270 आ गया. दिस इज द टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम कितना है? पहले 3 घंटे चला, फिर 2 घंटे चला, टोटल टाइम आ गया 5 आवर्स. ठीक है, फॉर्मूला लगाया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है 270, टोटल टाइम है 5 आवर्स. हमने जब डिवाइड किया तो आपका आ गया 54, ये माइल्स पर आवर में आएगा. ठीक है, आपका आंसर, दिस इज एवरेज स्पीड ऑफ द जॉन. क्लियर हो गया. इसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है? देखिए, ए मैन टेक्स 10 आवर्स टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक बाय वॉकिंग बोथ द वेज. देखो भाई, वो कहता है कि एक मैन 10 घंटे लेता है एक प्लेस पे जाने में और उससे वापस आने में, बाय वॉकिंग. वॉकिंग, वॉक करके जब वो जाता है तो 10 घंटे लेता है उस प्लेस पे जाने में और वापस आने में. वॉक करना मतलब चल के जाना. दोनों वेज पे जाने में और आने में टोटल कितने घंटे लेता है? 10 आवर्स. He could have gained 2 hours by riding both the ways. वो कहता है कि अगर वो राइड करके जाए ना, राइड मतलब साइकिल पे जाए, तो वो 2 घंटे गेन कर सकता है. 2 घंटे गेन करने का मतलब ये है कि पहले अगर वॉकिंग में उसको 10 घंटे बोथ द वेज में लग रहे थे तो राइडिंग में उसको 2 घंटे कम लगेंगे. वो गेन करेगा 2 घंटे, मतलब उसको कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे.
ठीक है, तो राइडिंग में 8 घंटे लगेंगे और वॉकिंग में टोटल टाइम कितना लगेगा बोथ द वेज का, 10 आवर्स. द डिस्टेंस कवर्ड इन द होल जर्नी इज 18 माइल्स. जो आने जाने में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो 18 माइल्स है. ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इफ ही गोज बाय वॉकिंग एंड कम्स बैक बाय राइडिंग. एवरेज स्पीड निकालें पूरी जर्नी के लिए, अगर वो वॉकिंग से, इफ ही गोज बाय वॉकिंग, वॉकिंग से जा रहा है और वापिस कैसे आ रहा है, वापिस राइड करके आ रहा है, तब एवरेज स्पीड निकालें. देखो अब यहां पर बड़े ध्यान से समझने, मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना बेटा. देखो एक मैन जो है वो 10 घंटे लेता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी प्लेस पे पैदल जाते हो और वापस आते हो, वो 18 माइल दूर है आपसे. तो चल, अगर आप चल के जाते हो तो आपको 10 घंटे लगते हैं जाने में, ठीक है, आने जाने में, मतलब जाने में और वापस आने में, ठीक है. उसके बाद अगर वो राइड करके जाता है, मान लो आप अपनी साइकिल पे जाते हो और वहां जाते हो और वापिस आते हो, तो उस केस में आप 2 घंटे गेन करते हो. 2 घंटे गेन करने का मतलब आपको 8 घंटे लगते हैं, मतलब पहले 10 घंटे लग रहे थे तो अब 2 घंटे गेन कर रहे हो, गेन करने का मतलब कम लग रहे हैं आपको टाइम, तो इसका मतलब आपको अब 8 घंटे लगेंगे राइडिंग से. राइडिंग से मतलब साइकिल से जाओ और साइकिल से आओ, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कंप्लीट जर्नी की 18 माइल्स है. तो वो बोलता है एवरेज स्पीड निकालो उस पर्सन की कंप्लीट जर्नी के लिए, अगर वो वॉकिंग करके जाता है, जाता तो चल के है और वापस कैसे आता है, राइड करके. राइड करके मतलब अपने साइकिल से आता है, ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड निकालो कंप्लीट जर्नी की, अगर वो वॉकिंग करके जा रहा है और राइडिंग करके वापस आ रहा है, ठीक है. तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा. पहला स्टेप हमें दे रखा है कि मैन टेक्स 10 आवर्स टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक बाय वॉकिंग बोथ द वेज. 10 घंटे लेता है ये हमें दे रखा है, ठीक है, गिवन है. तो हम मान लो जाने की वॉकिंग प्लस आने की वॉकिंग, दोनों वॉकिंग को हमने सम किया तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स. तो 2 टाइम्स वॉकिंग में हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स. तो 1 टाइम वॉकिंग में हमें टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 आवर्स. ठीक है, एक टाइम वॉकिंग का टोटल टाइम हो गया 5 आवर्स, मतलब वो जाने वाला लगा लो या आने वाला लगा लो, एक टाइम की वॉकिंग का टाइम हो गया 5 आवर्स. ठीक है बेटा, इसके बाद आ जाता है ही कुड हैव गेन्ड 2 आवर्स बाय राइडिंग बोथ द वेज. हमको दे रखा है ये चीज, हमें गिवन है कि 2 घंटे वो गेन कर सकता है कि अगर वो राइड करे तो. इसका मतलब दोनों टाइम अगर वो राइडिंग करे तो उसको कितना घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे. पहले 10 लग रहे थे तो 2 घंटे गेन करने का मतलब वो 8 घंटे अब लगाएगा. तो राइडिंग दोनों तरफ राइडिंग करेगा, राइडिंग एक बार जाने में और एक बार आने में, टोटल 2 बार राइडिंग, मतलब 8 आवर्स लगेंगे उसको, मतलब 2 टाइम्स राइडिंग में 8 आवर्स. तो एक टाइम राइडिंग में कितना टाइम्स लगेगा, 4 आवर्स लगेंगे. ठीक है, तो राइडिंग की एक टाइम, एक साइड का जो टाइम है वो 4 आवर्स हो गया और वॉकिंग की एक साइड का टाइम हमने ऊपर निकाला, वॉकिंग की एक साइड का टाइम हो गया 5 आवर्स. अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखिए, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इफ ही गोज बाय वॉकिंग. वॉकिंग करके जा रहा है और कम्स बैक बाय राइडिंग, जाते वक्त तो वॉक करके जा रहा है और वापिस साइकिल पे आ रहा है, राइड करके आ रहा है, तो क्या एवरेज स्पीड होगी. देखिए बेटा, एक टाइम राइडिंग का टाइम कितना है 4 आवर्स, एक टाइम वॉकिंग का टाइम कितना है 5 आवर्स. ठीक है, तो हमें इफ ही गोज बाय वॉकिंग एंड कम्स बाय राइडिंग, टाइम टेकन बाय हिम कितना टाइम लेगा, वॉकिंग जाने का एक टाइम वॉकिंग का क्या टाइम होता है 5 आवर्स, राइडिंग एक टाइम राइडिंग का क्या टाइम होता है 4 आवर्स. तो 5 + 4, तो वॉकिंग प्लस राइडिंग का टोटल टाइम कितना हो गया 9 आवर्स. ठीक है, टोटल टाइम वॉकिंग प्लस राइडिंग का टाइम हो गया 9 आवर्स. अब टोटल टाइम देखें, अब हमारे पास आ गया 9 आवर्स आ गया उसकी कंप्लीट जर्नी का, क्योंकि जा रहा है वो वॉक करके 5 घंटे ले रहा है और वापिस आ रहा है 4 घंटे ले रहा है क्योंकि वो राइड करके आ रहा है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड है 18 माइल्स. ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपके सामने कितनी है 18 और टोटल टाइम कितना है 9. तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो आपका आंसर आ गया एवरेज स्पीड 2 और इसकी यूनिट आ गई माइल्स पर आवर, क्योंकि देखो डिस्टेंस आपको माइल्स में दे रखी है. डिस्टेंस किस में दे रखी है बेटा, माइल्स में, माइल्स में दे रखी है. तो और टाइम आपको आवर्स में दे रखा है, तो 18/9 2 माइल्स पर आवर, दिस इज द रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन. ठीक है बेटा, एक बार मैं आपको दोबारा इसको समझा देता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो देखिए. देखिए बेटा, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप दोबारा बता देता हूँ.
पर्सन क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, एक तरफ वॉक करके जा रहा है और एक तरफ राइड करके आ रहा है। वो कहता है कि अगर दोनों तरफ वॉक करता है तो 10 घंटे लेता है, तो एक तरफ वॉक का टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अगर वो दोनों तरफ राइड करके जाता है तो वो टोटल टाइम कितना लेता है, 8 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स वो गेन करता है, तो एक तरफ राइडिंग का टाइम कितना हो गया, 4 आवर्स। अब वो बोलता है कि अगर वो एक तरफ वॉकिंग करता है, वॉकिंग एक तरफ वॉकिंग का क्या टाइम था, 5 आवर्स, और एक तरफ राइडिंग करता है तो एक तरफ राइडिंग का क्या टाइम था, 4 आवर्स। तो उस टाइम पे उसकी एवरेज स्पीड निकालो, वॉकिंग प्लस राइडिंग का टोटल टाइम कितना हो गया, 5 + 4 9 आवर्स हो गया, 9 आवर्स हो गया ना, क्योंकि एक तरफ वॉक कर रहा और एक तरफ राइड कर रहा है, तो टोटल टाइम टेकन आ गया 9 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो उसने दे रखी है कि टोटल डिस्टेंस जो कंप्लीट जर्नी की है वो एवरेज जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 18 माइल्स है। कितनी है बेटा, 18 माइल्स। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमने टोटल डिस्टेंस 18 माइल्स पुट किया और यहां पर टोटल टाइम पुट किया 9 आवर्स, तो 18/9 आपका आ गया 2, दैट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आ गई 2 miles per hour, ठीक है बेटा। ओके, नाउ वी विल कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। केट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। केट जो है वो 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है फ्रॉम हर हाउस टू द स्कूल, अपने घर से स्कूल तक, घर से स्कूल तक। अगर वो ऑटो रिक्शा से जाती है, ऑटो रिक्शा से जाती है और डिस्टेंस कितने ट्रेवल करती है, 9 किलोमीटर, कितनी रेट से, 18 किलोमीटर पर आवर। वो बोलता है केट जो है वो एक लड़की है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 9 किलोमीटर अपने घर से स्कूल तक, स्कूल तक किससे जाती है, ऑटो रिक्शा से, कितनी स्पीड से जाती है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और जब वो रिटर्न करती है रिक्शा पे, रिटर्न ऑटो रिक्शा पे नहीं करती, रिक्शा पे करती है, कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए बेटा, एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है पहले वो निकालेंगे, फिर टोटल टाइम क्या है वो निकालेंगे। देखो पहले हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम टेकन बाय केट टू रीच स्कूल, जाने का टाइम, पहले हम टाइम जाने का निकालेंगे फिर टाइम आने का निकालेंगे, तो टोटल टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय केट टू रीच स्कूल, जाने में वो कितनी स्पीड से जा रही है, 18 किलोमीटर पर आवर, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 9 किलोमीटर। और टाइम जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस हमारी होगी 9 किलोमीटर और स्पीड आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने 9/18 पुट कर दिया, यहाँ पर 9/18 पुट किया, तो यहाँ से 9/18 से कटा, तो आपका आ गया आंसर 1/2 आवर। दिस इज द टाइम टेकन बाय केट टू रीच द स्कूल, मतलब स्कूल पहुंचने में उसको आधा घंटा लगता है, 1/2 आवर लगता है। किससे जब जाता है, जब वो ऑटो रिक्शा से जाता है, जाती है, ठीक है। टाइम टेकन बाय केट टू रीच स्कूल, हाउस टू स्कूल, घर पे पहुंचने में, वापस स्कूल से वापस घर पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो वापस आते वक्त भी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, वापस आते वक्त भी 9 किलोमीटर होगी डिस्टेंस, तो 9/ स्पीड कितनी है वापस आते वक्त, 15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5 आवर। तो टाइम टेकन बाय केट टू रीच स्कूल, स्कूल को रीच करने में, रीच हाउस टू स्कूल, स्कूल से मतलब हाउस पे पहुंचने में स्कूल से, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 9 है, स्पीड वापस आते वक्त रिक्शा से आ रही है 15 है, तो दोनों को हमने सॉल्व किया, 3/5 आवर आ गया वापस आने का टाइम, और जाने का टाइम कितना था, 1/2 आवर, वापस आने का टाइम कितना हो गया, 3/5 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 1/2 आवर जाने का और 3/5 आवर आने का। तो टोटल टाइम जब हमने इसको सॉल्व किया आपका आ गया 11/10 आवर, 11/10 आवर, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, 11/10 आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड देखो, जाते वक्त 9 किलोमीटर ट्रेवल किया, आते वक्त 9 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 9 + 9 कितना हो गया, 18 किलोमीटर। दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, दिस इज टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर आप कोऑपरेट करना कि स्पीड नहीं आएगा, यहाँ पर टाइम आएगा। तो टोटल अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस हो गई जाने आने की टोटल 18 किलोमीटर, बाय स्पीड हो गई 11/10। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया
18 अपॉन 1 इनटू में 10 बाय 11, 18 इनटू में 10 इनटू में 1 बाय 11, तो आपका आ गया 1/80/11. तो हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 16.3 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. तो इसको मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ. देखिए, एक लड़की है जो अपने घर से स्कूल जाती है और स्कूल से वापस आती है. घर से स्कूल जाते वक्त वो ऑटो रिक्शा पे जाती है जिसमें वो 18 किलोमीटर पर आवर से चलती है और 9 किलोमीटर ट्रेवल करती है. ठीक है, वापस आती है 15 किलोमीटर पर आवर से चलती है. तो एवरेज स्पीड निकालनी है. देखो बेटा, एवरेज स्पीड का टोटल हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो हमने सबसे पहले टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालने के लिए पहले टोटल टाइम निकालेंगे. पहले टाइम निकालेंगे जाने का, फिर टाइम निकालेंगे वापस आने का, फिर दोनों को सम कर देंगे. जाने का टाइम क्या है? जाने का टाइम स्कूल रीच करने का टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्कूल में जब जाती है तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके जाती है? 9 किलोमीटर. और स्पीड कितनी ट्रेवल से ट्रेवल कर रही है? 18 किलोमीटर पर आर. तो 9 अपॉन 18 हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो 1/2 आर आ गया टाइम टेकन बाय केट टू रीच स्कूल. अच्छा, टाइम टेकन बाय केट टू रीच हाउस टू स्कूल. स्कूल से घर पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको? देखिए, स्कूल से घर पे पहुंचने में उसको टाइम लगता है 9 डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है वापस आने की? 15 है. तो डिस्टेंस वही है, स्पीड वही 15 है. तो 9 अपॉन 15 जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/5 आवर. दिस इज द टाइम टेकन बाय गेट टू रीच हाउस. कहां से? स्कूल से. ठीक है, स्कूल से घर पे पहुंचने में उसको इतना टाइम लगता है. तो टोटल टाइम कितना हो गया? जाने का 1/2 आवर, आने का 3/5 आवर, और टोटल टाइम हो गया आपका, हमने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके और हमारा आ गया 11/10 आवर. दिस इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी. टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ? जाने में 9 किलोमीटर ट्रेवल किया, आने में 9 किलोमीटर ट्रेवल किया. तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस होगी 9 + 9, 18 किलोमीटर होगी. ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी क्या होती है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. यहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेट करें कि इसको समझ जाए कि ये टोटल टाइम है, गलती से यहाँ पे टाइप स्पीड हुआ है. तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी आई है? टोटल डिस्टेंस 18 आई है. बाय में टोटल टाइम कितना है? 11/10 है. 11/10 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो 10/11 हो जाएगा. तो 18/1 इंटू में 10/11, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 180/11. 180/11 के बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो 16.3 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द केट. क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. अच्छा, इसके बाद देखें फोर्थ क्वेश्चन. देखें बेटा, ए बॉडी राइजेस वर्टिकली अपवर्ड टू ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स. ऊपर की तरफ जाती है, 100 मीटर तक ट्रेवल करती है, 5 सेकेंड के अंदर वो ऊपर 100 मीटर पहुंच जाती है. ठीक है भाई. देन कम्स बैक एट द सेम पोजिशन, वापस उसी पोजिशन पे आ जाती है आफ्टर अनदर 5 सेकेंड, दूसरे 5 सेकंड में. देखो, पहले ऊपर जाती है, 100 मीटर ट्रेवल करती है 5 सेकंड में, फिर वापस आती है उसी पोजीशन पे, वापस आ जाती है अनदर 5 सेकंड, वापस आने में भी 5 सेकंड ही लेती है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, चारों चीजें निकालनी है. देखिए बेटा, अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है? ऊपर जाते वक्त 100 मीटर ट्रेवल कर रही है, टाइम टेकन कितना है अपवर्ड जर्नी का? 5 सेकंड है. तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल इन अपवर्ड जर्नी प्लस डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउनवर्ड जर्नी. टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, ऊपर जाते वक्त डिस्टेंस प्लस नीचे आते वक्त डिस्टेंस. तो ऊपर जाते वक्त डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर है. और नीचे आते वक्त डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर है. तो क्योंकि ऊपर 100 मीटर जाएगी तो नीचे उसी पोजीशन पे आने में उसको 100 मीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा. तो 100 + 100 कितना हो गया? 200 मीटर हो गया. दिस इज द टोटल डिस्टेंस. एज द बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू द सेम पोजीशन. अगर देखो, टोटल डिस्टेंस आपका पहला आंसर आ गया है, उसने पहला ऑप्शन पूछा था कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, वो आ गया 200 मीटर आ गया. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. अब देखो, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट वहीं पे वापस आ रहा है, रिटर्निंग बैक, एज द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टू द सेम पोजीशन. और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होती है. तो अगर उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कुछ होगी ही नहीं, तो वो जीरो मानी जाएगी क्योंकि उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हो गया? जीरो हो गया. ठीक है, दूसरा आंसर आ गया आपके पास. अब आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी. एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस अभी हमने ऊपर निकाला, 200 मीटर आया था.
और टोटल टाइम कितना लग रहा है, जाने में 5 सेकंड, आने में 5 सेकंड, 200/10, तो आपका आंसर आ गया 200/10 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया ऊपर जाने का 100 मीटर, नीचे आने का 100 मीटर, और टोटल टाइम हो गया ऊपर जाने का 5 सेकंड, नीचे आने का 5 सेकंड, तो टोटल टाइम हो गया 10 सेकंड, तो हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज एवरेज स्पीड। एज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी इज आल्सो जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है एवरेज वेलोसिटी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होती है, और हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने यहां निकाला जीरो था, जीरो था तो वेलोसिटी भी क्या हो, जीरो होगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी का भी आंसर आपके पास फोर्थ आंसर भी आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखिए आप, ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। देखिए बेटा, एक कार ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, KMPH का मतलब किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए, ठीक है, देन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, अगले 30 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर आवर से यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कार की एवरेज स्पीड निकाल। दोबारा बताता हूं मैं क्वेश्चन एक बार, देखो ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट के लिए, उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर से अगले 30 मिनट के लिए, नेक्स्ट 30 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल। देखिए बेटा एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, पहला पार्ट जो 30 मिनट्स के लिए उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, टाइम हमको दे रखा है 30 मिनट, तो मिनट को हमने आवर्स में बदल लिया, बाय में 60 कर लिया, तो 1/2 आवर आ गया। स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी V2 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम फॉर द सेकेंड पार्ट आना चाहिए, समझ जाओ वो वैसे इक्वल ही है, यहाँ सेकेंड पार्ट आना चाहिए, टाइम फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी T2 इज इक्वल टू में 30 मिनट, ठीक है, तो इस 30 मिनट को भी हमने आवर्स में बदल लिया, 30/60 दैट इज इक्वल टू 1/2 आवर, ठीक है, तो दोनों का टाइम दे रखा है, पहले पार्ट ऑफ जर्नी की स्पीड दे रखी है 30, दूसरे पार्ट ऑफ जर्नी की स्पीड दे रखी है 60, ठीक है, V2 देखो, और पहले पार्ट की V1 दे रखी है, और पहले पार्ट का जो टाइम दे रखा है 30 मिनट दे रखा है, दूसरे पार्ट का जो टाइम दे रखा है वो भी 30 मिनट दे रखा है, और दोनों को हमने आवर में बदल दिया, तो 1/2 आवर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एवरेज स्पीड दोनों चीजें फाइंड करनी है। देखिए बेटा, क्योंकि देखो एवरेज स्पीड वैसे तो फाइंड करनी है, लेकिन एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो आप सीधा निकाल सकते हो, 1/2 आवर जाने का, पहले पार्ट का 1/2 आवर, दूसरे टाइम का, तो टोटल टाइम हो गया 1 आवर, वो तो आप सीधा आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपको पहले आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तब आप एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मान लो s है, वो पहले पार्ट की डिस्टेंस s1 प्लस दूसरे पार्ट की डिस्टेंस s2 दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। पहला पार्ट जो वो v1 स्पीड से चल रहा था t1 टाइम में, जो मैंने आपको ऊपर यहां पे समझाया था v1 स्पीड से t1 टाइम, दूसरा पार्ट v2 स्पीड से t2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें मान लो डिस्टेंस s2, ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले पार्ट में स्पीड है v1 और टाइम है t1, दूसरे पार्ट में स्पीड कितनी है v2, टाइम है t2, तो v2 into t2 लिख दिया, ठीक है। पहले पार्ट की v1 कितनी है, v1 30 है, टाइम कितना है 1/2 आवर, दूसरे पार्ट की v2 कितनी है 60 है, और टाइम कितना है 1/2 आवर, तो हमने देखो दोनों को सम कर दिया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 आ गया, s1 आ गया 30 × 1/2 = 15 और 60 × 1/2 = 30, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया आपके पास 45, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना आ गया बेटा, टोटल टाइम आपके पास कितना है, देखो जान पहले पार्ट का टाइम है t1, दूसरे पार्ट का टाइम है t2, पहले पार्ट का टाइम 1/2 आवर, दूसरे टाइम पार्ट का भी टाइम 1/2 आवर, तो दोनों को सम किया तो हमारा 1 आवर आ गया, ये टोटल टाइम निकल आ गया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 45 किलोमीटर हमने अभी निकाला, और टोटल टाइम टेकन कितना है 1 आवर, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमने किया, तो एवरेज स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्लीट जर्नी ऑफ द ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। 45 किलोमीटर पर आवर टोटल डिस्टेंस हमने निकाली 45 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम टेकन 1 आवर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 45 है और टोटल टाइम आपका 1 आवर ही लगा है, तो 45 किलोमीटर पर आवर दिस इज द एवरेज स्पीड, तो आपका आंसर हो गया 45 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्लीट जर्नी। ठीक है, फिर हो गया। अच्छा, ये सिक्स क्वेश्चन जो है वो मैंने बच्चों के लिए ही छोड़ा था कि बच्चे खुद करेंगे, ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसका आंसर भी बता रहा हूँ। देखो कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैंने शो नहीं कर रखा वीडियो में, ठीक है, आपको खुद करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछना है। जो ड्राइव्स 120 माइल्स एट 60 माइल्स पर आवर, 120 माइल चलता है 60 माइल्स पर आवर से, ये स्पीड दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है। अच्छा, देन He drives the next 120 miles at 40 miles per hour. What is his average speed for the entire trip? उसकी कंप्लीट ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला बताओ, एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो उसने हमारे को दे ही रखी है, क्योंकि पहले दे रखी है 120 miles, फिर 120 miles, तो टोटल डिस्टेंस होगी 120 प्लस 120, 240। बाय में टोटल टाइम, टोटल टाइम नहीं दे रखा आपको, टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम आप निकालो। टाइम आप कैसे निकालोगे, पहले 120 माइल्स उसने 60 माइल्स पर आर से कवर किए हैं, तो ये इससे टाइम निकल सकता है इस डाटा से। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 120 और स्पीड है 60, तो 120 बाय 60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपका 2 आर आ गया पहले पार्ट के लिए टाइम, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए टाइम, दूसरे पार्ट में उसने बोला है कि 120 miles at 40 miles per hour, तो दूसरे पार्ट का जो टाइम आएगा 120 distance by time, स्पीड कितनी है 40, 120 by 40 क्या आएगा 3 hours, तो दूसरे पार्ट का जो distance आ गया वो 3 hours आ गया, ठीक है। पहले पार्ट का दूसरे पार्ट का जो टाइम आ गया वो 3 hours आ गया और पहले पार्ट का टाइम आ गया 2 hours आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 इसका 3 इसका 5 hours, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी 120 प्लस 120 240, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 240 टोटल डिस्टेंस हो गई और 5 आवर्स टोटल टाइम हो गया। 240 बाय 5 कितना होता है, 240 बाय 5 आई थिंक 48 होता है, ठीक है, तो 48 आपका आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको खुद एक बार इसको सॉल्यूशन करके देखना है, जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको एक बार अच्छे से रीड करें, अच्छे से वीडियो को देखें, तब आपसे जरूर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको फिर भी इसके बारे में कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया है, ठीक है, तो डू वॉच माय वीडियोस कंप्लीटली और थैंक्स अ लॉट।